दे रहा हूँ। तो भाई ये मौका मत छोड़ो, 2,60,000 रुपये में होंडा सिटी मिलेगी, 3,50,000 रुपये के अंदर है, तो ले जाओ स्कॉर्पियो और अपनी ड्रीम पूरी कर लो। 95,000 रुपये में मिल गया आपको i10, वो भी ऑटोमेटिक। बोलते ना लोग कि यार टाटा नैनो में स्पेस की कमी रहती है, मेरा हाइट लगभग 6 फीट के अराउंड है, 5'11" है। मैं आपको अभी बैठ के दिखाता हूँ इसमें। तो भाई 2011 की गाड़ी 1,60,000 रुपये में आप देख, भाई फिर से सुन लो, 3,25,000 रुपये में सैलरी मिलेगी, वो भी ऑटोमेटिक गाड़ी। 50,000 से 1,00,000 रुपये देके आप ये गाड़ी लेके जा सकते हो। जस्ट ये बता दो कितनी वेटिंग रहती है अभी न्यू में अगर लेने जाए। अगर आप वेटिंग की बात करोगे तो 6 से 8 महीना मिनिमम आपको वेटिंग मिलेगा ये गाड़ी का। और यहाँ पे मालूम सिर्फ 1 डे डिलीवरी है, जस्ट आना है पेमेंट। हेलो नमस्ते सभी को, तो कैसे हैं आप सब भाई, होप आप सब बड़े होंगे। मेरा नाम है राहुल, द व्हीकल बिस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज ज़्यादा लेट ना करते हुए सीधा मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, आज मैं आया हूँ द टर्बो कार्स जो कि लोकेटेड अपना गोरेगांव वेस्ट में। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, सीधा मोहसिन भाई को बुलाते हैं और पूरी गाड़ियों की डिटेल देते। आज ये मोहसिन भाई, तो हमारे सामने प्रेजेंट है टर्बो कार से मोहसिन भाई, कैसे हो? ऑल गुड ऑल गुड, आई होप एवरीवन सब अच्छे होंगे। यस, तो अभी जैसे कि गुड़ी पाड़वा और भी अभी होली के तो फेस्टिवल चले गए, बट बोलते ना अभी और भी फेस्टिवल आ रहे हैं, तो उसके लिए आज क्या रखे आपने? आज हम लोग ने जो है राहुल भाई ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट जो है हाई सेगमेंट पे किया है। काफ़ी सारी डिमांड्स आ रही थी कस्टमर की कि हाई सेगमेंट में गाड़ी चाहिए, जैसे आपको तो पता है एक्सयूवी जो है यूएसपी है। yes. तो एक्सयूवी में भी हम लोग ने काम किया है, थोड़ा हम क्रिएटा लेके आए हैं और भी काफ़ी सारी गाड़ी है। यस, मीडियम सेगमेंट में मिलेगा, लो बजट में भी मिलेगा, वो सब गाड़ी कवर करेंगे आज। तो मतलब अगर आपका बजट अगर 1,00,000 रुपये से ले 10,00,000 रुपये तक का अगर आपका बजट है, अगर आपको चाहिए कोई सा भी गाड़ी और आप बोलते हैं ना उस टाइप के अगर ऑडियंस देख रहे हो, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हर किसी का ड्रीम आज की इस वीडियो में पूरा होने वाला है। 1,00,000 रुपये की गाड़ी चाहिए वो भी मिलेगा, और 10,00,000 रुपये की गाड़ी चाहिए तो वो भी मिलेगा। क्या बोलते हो? एग्जैक्ट। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हो। एड्रेस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर सारे रहेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मोहसिन भाई किससे स्टार्ट करें, एक्सयूवी या फिर क्रेटा? पहले एक्सयूवी लेते हैं, जो मेन हमारी यूएसपी है, तो उसी से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली राहुल भाई ये 2015 का न्यू शेप है। अच्छा। जैसे कि आप इसका शेप देख रहे हो, ये 2015 का न्यू शेप है, मैनुअल सनरूफ। अच्छा। इसमें अच्छा, सनरूफ मिल जाता है आपको, मैनुअल गाड़ी है, सनरूफ है, सिंगल ओनर गाड़ी है, गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड है, मतलब पूरा रेडी टू यूज गाड़ी है, आपको गाड़ी में लेके कुछ भी नहीं करवाना है। टॉप एंड मॉडल है क्या ये? टॉप एंड है, पुश बटन स्टार्ट, मतलब देख ही सकते हो आपको पुश बटन स्टार्ट, अलॉय व्हील्स हो जाते हैं, न्यू हेडलाइट्स वगैरह आपको मिलते हैं, साथ में मिल जाती है आपको सनरूफ। Yes. और भी क्या क्या फीचर्स है इसमें? इसमें अगर आप फीचर्स की बात करेंगे तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, पावर फोल्डेबल आपको ये यस यस ये मिल जाते हैं, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं सेफ्टी के लिए। ये गाड़ी जो चला है 1,18,000 विद कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री। जो भी गाड़ी आपको टर्बो कार्स में मिलता है कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री में ही मिलेगा, और इसका जो लास्ट सर्विस हुआ है 1,13,000 पे सर्विस हुआ है नवंबर 2021 में। तो अभी जो इसका नेक्स्ट सर्विस डी होगा 1,23,000 पे डी होगा, जो अभी 5,000 किलोमीटर बाकी है। तो पूरा गाड़ी सर्विस रिकॉर्ड में नंबर सामने रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप सर्विस चेक भी करवा सकते हैं। यस यस। और प्राइसिंग की बात करते हैं, हमेशा की तरह जो टर्बो कार में जो आपको XUV 500 का प्राइस मिलता है, आप कोई भी डीलरशिप में कंपेयर करना, हमारे जैसा प्राइसिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका हम लोग ने आस्किंग रखा है 9,20,000, और ये डिस्काउंट करके हम लोग गाड़ी देते हैं 8,80,000 में, स्ट्रेट अवे 40,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 8,80,000 रुपये में मिलेगी आपको XUV 500 जो कि रहने वाला है टॉप एंड मॉडल, और साथ में आपको मिल जाती है सनरूफ, अलॉय व्हील्स, पुश बटन स्टार्ट, मतलब लेने के बाद ऐसा नहीं लगता कि कोई एडिशनल कुछ लगाने की जरूरत है। कुछ अगर आप गाड़ी भी चलाओगे इतना टॉप कंडीशन में, इंजन वगैरह बहुत ही अच्छा है, मतलब पूरा कंप्लीट पैकेज मिल रहा है आपको, लेके कुछ नहीं करना है। ये रहेगी इसकी डिटेल, और अगर आपका बजट भी नहीं बन पाता है तो इसमें फाइनेंस भी अवेलेबल हो जाएंगे। डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा अगर इसका सिविल वगैरह अच्छा रहा तो? सिविल वगैरह अच्छा है, हम लोग 1,00,000 पे भी या 50,000 पे भी, अगर सिविल बहुत ही अच्छा है 50,000 पे भी लोन करवा के दे। तो भाई वही है 50,000 से 1,00,000 रुपये, अगर आपका सिविल अच्छा रहा तो 50,000 से 1,00,000 रुपये देके आप ये गाड़ी लेके जा सकते हो। जस्ट सिविल और पेपर वगैरह आपका ओके रहने चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अभी स्ट्रॉन्ग गाड़ी पे ही सीधा जंप करते हैं, हुंडई की क्रेटा। क्रेटा तो जैसे कि आज की डेट में अगर आप देखोगे तो क्रेटा का बहुत ही ज्यादा डिमांड है। पहले ये बता दो कितनी वेटिंग रहती है अभी न्यू में अगर लेने जाए। अगर आप वेटिंग की बात करोगे तो 6 से 8 महीना मिनिमम आपको वेटिंग मिलेगा ये गाड़ी का। और यहाँ पे मालूम सिर्फ 1 डे डिलीवरी है, जस्ट आना है पेमेंट देना और लेके जाना, सेम डे पे डिलीवरी लेना है। तो इसकी बात करते हैं राहुल भाई, दिस इज 2017। अच्छा। 1.6 SX ऑप्शनल पुश बटन स्टार्ट, गाड़ी पुश बटन स्टार्ट है,
इसमें आपको 4 एयरबैग्स मिल जाते हैं। ये जो है खासियत ये है कि ये मैन्यू ऑटोमेटिक पेट्रोल गाड़ी है। अच्छा, ऑटोमेटिक पेट्रोल है। यस, सिंगल ओनर गाड़ी है, गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड है और ये चला है 87,000 विद कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री। ये भी पूरा सर्विस हिस्ट्री नंबर से आप निकाल सकते हो, पूरा सर्विस हिस्ट्री अवेलेबल है गाड़ी का। फीचर्स की बात करते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसमें भी मिल जाते हैं आपको, एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, 4 एयरबैग्स आ जाते हैं, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडोज, क्लाइमेट कंट्रोल एसी, ये भी कंप्लीट पैकेज है। तो अगर प्राइसिंग की ये प्रोडक्ट की बात करते हैं तो टर्बो कार में हमने इसका आस्किंग प्राइस रखा है 9,95,000। ओके, डिस्काउंट करके ये हम लोग गाड़ी दे रहे हैं 9,70,000 में, 25,000 का स्ट्रेट अवे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो भाई बोलते ना, इतनी ज़्यादा वेटिंग रहती है इस गाड़ी पर अगर आप न्यू लेने जाते हो, यहाँ पे सेम डेट डिलीवरी है उसमें भी 25,000 का डिस्काउंट भी देते हैं स्ट्रेट अवे, तो 9,75,000। यस, और ये जो मैं आपको जो सब प्राइस बता रहा हूँ, ये जो आपके सब्सक्राइबर आएंगे उन्हीं के लिए, अगर कोई दूसरा आता है तो प्राइसिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट रहने वाले। तो भाई यहाँ पे जब आते तो प्लीज चैनल का नाम मेंशन कर देना। तो इसकी जो प्राइसिंग रही वो है 9,75,000 रुपए। तो जस्ट आना है आपको, 9,75,000 रुपए पे करना। अगर बजट नहीं बन पाता है तो लोन भी अवेलेबल है, लोन करवा के भी मिल जाएगा। अभी यही दो गाड़ी देख के मत समझना कि बस दो ही गाड़ी दिखाने वाले, अभी तो काफी ऑप्शंस है अभी, सब 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 गाड़ी। ये जो रहने वाली वो डीजल है और ये जो रहने वाला वो पेट्रोल है। ठीक है, तो स्टार्ट इससे ही करते करते। तो ये 2014 का होंडा सिटी आईडी टेक, अच्छा, डीजल में एसवी मॉडल, विच इज सेकंड टॉप हो जाता है। ये 2014 का सेकंड ओनर, इंश्योरेंस वैलिड, 1,04,000 किलोमीटर ड्रिवन विद कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री। तो जो है मतलब बोलते ना, एक जेन्युइनिटी पता चलती है भाई, अगर इसको चाहिए तो 60-70 भी बोल सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं, जो किलोमीटर चली वही आपको बताएंगे। Exactly. पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे आपके सामने। और ये लास्ट का जो गाड़ी है इसका लास्ट सर्विस रिकॉर्ड 99,000 पे, तो मतलब अभी जो चली है 5,000 किलोमीटर उसके बाद तक चली है। ओके, और इसकी फीचर्स की बात करते हैं तो पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, क्लाइमेट कंट्रोल एसी आ जाता है आपको, मतलब बेस्ट पॉसिबल फीचर जो होंडा सिटी में आता है वो मिल जाता है। बाकी शेप इतनी अच्छी दे रखी है, बहुत ही अच्छा शेप है। और गाड़ी 100% 18 प्लस का एवरेज देती है डीजल में, क्या आपको 100% 18 प्लस का एवरेज मिलेगा। तो भाई ऐसी गाड़ी और इतनी अच्छी माइलेज कौन देगा वैसे ये। बिल्कुल, और प्राइसिंग की इसकी हम लोग बात करते हैं। राहुल भाई, प्राइसिंग हम लोग ने इसका एकदम रीजनेबल रखा है, 4,95,000। अच्छा, स्ट्रेट अवे 20,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, आपको आती है 4,75,000। भाई तो ले जाओ 2014 की होंडा सिटी, वो भी आईडी टेक डीजल, सिर्फ कितना, 4,75,000। यस, तो 4,75,000 रुपीज में बना लो अपनी, नहीं तो चली जाएगी, फिर आप पछताते रहोगे कि भैया हमने कॉल किया गाड़ी बिक गई। Exactly. तो प्लीज कॉल कर लेना और बना लेना अपनी। अगर आपका बजट इतना भी नहीं बन पाता, अगर आपका बजट वही 3 लाख रुपए के अराउंड आ जाएगी ना, उसके नीचे, उसके काफी अंदर दे देंगे, उसके काफी अंदर दे देंगे। तो चलिए जान लेते हैं इसकी भी डिटेल। तो राहुल भाई, ये आप देख रहे हो 2010 का, अच्छा, ये वी मॉडल है, विच इज टॉप ऑफ द लाइन, टॉप वेरिएंट है, इसमें आपको एलॉयज आ जाते हैं। ये जो है सेकंड ओनर गाड़ी है 2010 का, पेट्रोल मैनुअल है। ओके, ये डीजल मैनुअल था, ये पेट्रोल मैनुअल है। ठीक है, पेट्रोल मैनुअल है, 73,000 विद सर्विस हिस्ट्री, अगेन इंश्योरेंस वैलिड है गाड़ी का। आपको लेना है, सिर्फ चलाना है गाड़ी में, ब्लैक कलर काम काफी ज्यादा कलर काफी लोग प्रीफर करते हैं होंडा सिटी में, क्योंकि अलग ही उसका एक वो लुक आता है। फीचर्स की बात करते हैं, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, स्टेयरिंग पे कंट्रोल भी है क्या? स्टेयरिंग में वी मॉडल है, स्टेयरिंग फीचर्स मिल जाते हैं आपको, इसमें भी स्टेयरिंग फीचर्स मिल जाएंगे आपको। राहुल भाई, भी मैं इसका प्राइसिंग बताता हूँ आपको, धमाकेदार वाला प्राइसिंग इसका हम लोग ने टर्बो कार में आस्किंग प्राइस रखा है सिर्फ 2,75,000 आस्किंग प्राइस 2010 की होंडा सिटी। 3 लाख के 3 लाख बोल रहे थे, मैं 2,75 मांग रहा हूँ, और मैं ये आपके चैनल से जो भी आता है 2,60,000 में दे रहा हूँ। तो भाई ये मौका मत छोड़ो, 2,60,000 रुपये में होंडा सिटी मिलेगी, वो भी 2010 की। Yes. सही बता रहा हूँ, मार्केट में जाते हो ना 3 लाख रुपए के ऊपर ही डिमांड करते, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 2,60,000 रुपये मिल रही है। तो मत गवा मौका, ले जाओ और मार दो चौका। तो देख लिया आपने होंडा सिटी, अब आपको दिखाते हैं स्कॉर्पियो और एक दिखाते हैं स्कोडा रैपिड, राइट? Yes. दोनों डीजल और डीजल की ज्यादा डिमांड भी, क्योंकि माइलेज आपको ज्यादा मिल जाता है और डीजल का भाव भी थोड़ा कम है। Exactly. तो स्टार्ट इससे करते हैं, थोड़ी हल्की गाड़ी है और ज्यादा बोलते ना फेवरेट रहेगी इंडिया में, क्या डिटेल है? तो ये 2011 का महिंद्रा स्कॉर्पियो है, एमॉक इंजन आता है इसमें, मतलब भले ही चाहे ओल्ड रहे चाहे न्यू सेव रहे आप लेके ही आते हो स्कॉर्पियो। ये स्कॉर्पियो मिलेगी, एक्सीवी हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, सब मिलती है। तो बेसिकली इसमें एमॉक इंजन है, एमॉक इंजन को देखने की जरूरत ही नहीं है, पावरफुल है, पावरफुल इंजन, सबसे बेस्ट इंजन एमॉक इंजन, इसको डीजल रॉकेट आप बोल सकते हो ऐसी जब रोड पे चलती है तो। यस एग्जैक्टली, तो ये 2011 का एमॉक इंजन स्कॉर्पियो, सिंगल ओनर, मैनुअल डीजल, अच्छा, 85,000 किलोमीटर ड्रिवन। कलर क्या है इसका? ये इसको शैम्पेन ग्रीन बोलते हैं। अच्छा,
हाँ, और 85,000 किलोमीटर ड्रिवन है, सिंगल ओनर गाड़ी है, ब्रांड न्यू टायर्स चारों भी ब्रांड न्यू टायर। अब एक बार टायर दिखा सकते हो, देख ही सकते हो, ब्रांड न्यू टायर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पे एम हॉक की आपको यहाँ पे बेजिंग पे आपको देखने को मिल जाती है। तो भाई गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, नीट एंड क्लीन है, इसके इंटीरियर भी बहुत ही अच्छा है, बाकी यहाँ पे थोड़े फॉग लाइट वगैरह भी लगा के रखे, एडवेंचर करना हो तो उसके लिए परफेक्ट है। यस यस। कितने डिटेल्स और प्राइसिंग? 2011 सिंगल ओनर 85,000 किलोमीटर ड्रिवन डीजल मैनुअल। ओके, प्राइसिंग की बात करते हैं इसकी, आस्किंग है 3,60,000, बहुत ही रीजनेबल है। 3,60,000 क्या बात, स्ट्रेट अवे हम लोग इस पे 30,000 का आपके सब्सक्राइबर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मतलब 3,30,000 में आपको गाड़ी आती है। तो भाई 3,30,000, फिर से सुन लो, 3,30,000 रुपये में मिलेगी 2011 की स्कॉर्पियो डीजल वेरिएंट एम हॉक इंजन वाली, मतलब पावरफुल है, साथ में प्राइसिंग भी कम है। तो अगर बजट बन पाता, अगर आपको 3 से 3.5 लाख रुपए के अंदर है तो ले जाओ स्कॉर्पियो और अपनी ड्रीम पूरी कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा चाहिए जर्मन ब्रांड, तो दिखा दीजिए मोहसिन भाई फिर वो भी गाड़ी। तो बेसिकली ये स्कोडा का रैपिड एलिगेंस है, एलिगेंस टॉप मॉडल हो गया, ये टॉप ऑफ द लाइन है, 2012 का, सेकेंड ओनर गाड़ी है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस वैलिड है गाड़ी का, डीजल मैनुअल है। अच्छा। आपको ये गाड़ी भी 100% 18 प्लस का एवरेज देती है। क्या आप सेकेंड ओनर इंश्योरेंस वैलिड 2012 एलिगेंस, एलॉय व्हील्स आ जाते हैं, टॉप एंड मॉडल, टॉप एंड मॉडल है, एलॉय व्हील्स आ जाते हैं इसमें आपको, पावर स्टीयरिंग, क्लाइमेट कंट्रोल, ईसी, मतलब पूरा कंप्लीट पैकेज है ये भी। मतलब फीचर्स के मामले में कुछ सोचना नहीं है, जो आप चाहते वो चीज इसमें अवेलेबल है। यस यस। 2012 है, सेकंड ओनर है, डीजल है, प्राइसिंग कितनी रखी उसकी? प्राइसिंग बहुत ही रीजनेबल रखा है, अगर मेरा प्राइस आप दूसरे डीलरशिप पे यही गाड़ी पे कंपेयर करोगे तो प्राइसिंग कभी नहीं मिलेगा। आस्किंग रखा है 3,20,000 रुपीज, स्ट्रेट अवे 25,000 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब ये तो 3 लाख रुपए से भी नीचे कर दिया। 2,95,000 में आपको गाड़ी देते। तो भाई 2,95,000 रुपए में मिलेगी आपको स्कोडा रैपिड, वो भी डीजल 2012 का। सही में मार्केट में जाते हो तो भाई 3,75,000 रुपए मांगते हैं इस गाड़ी की, बट आपको उतना देना ही नहीं है, आपको सीधा आना है टर्बो कार्स पर और देने सिर्फ 2,95,000 रुपए। अगर उसमें भी थोड़ा 19-20 होता तो वो भी चीज कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे, बेस्ट रिगार्ड करके गाड़ी देंगे। इसमें लोन तो नहीं हो पाएगा ना? लोन होगा इसमें भी, हो जाएगा। यस। तो 2012 ये सबके मॉडल पे भी लोन हो जाएगा, तो टेंशन नहीं है, बजट का लोन भी अवेलेबल है। तो ये रहेगी दो गाड़ियां, चलिए अभी और भी आपको दिखाते हैं गाड़ियां, आइए दिखाते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखा दिया स्कॉर्पियो और रैपिड, बट अब क्या रहता है कि भाई अब लो बजट किधर दिखा दो, लो बजट तो चल ही रहा है, बट अब उससे भी लो बजट आपको दिखाते, 2 लाख रुपए से भी कम में आपको दिखाते सीरीज। तो हमारे सामने प्रेजेंट एक i10 और एक i20, तो स्टार्ट इससे करते फिर i10 से स्टार्ट करते राहुल भाई। ये जो है 2010 का i10 स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मॉडल है। ये अच्छी चीज इसमें ये है कि ये ऑटोमेटिक पेट्रोल है भाई, लो आप ही डिमांड करते तो ऑटोमेटिक गाड़ी, लो छोटी गाड़ी में ऑटोमेटिक मिल गया। यस, छोटी गाड़ी में ऑटोमेटिक काफी अच्छी गाड़ी है, मतलब आप ओवरऑल गाड़ी देखोगे तो बहुत ही अच्छा कंडीशन है, सेकेंड ओनर गाड़ी है, 62,000 किलोमीटर चला है, अगेन सर्विस हिस्ट्री में गाड़ी है। ओके। और प्राइसिंग की गाड़ी की बात करते हैं तो इसका 2,15,000 रखा है। डिस्काउंटेड प्राइस बताने से पहले इसमें फीचर क्या मिलते हैं? फीचर्स आप में इसको आपको एसी मिल जाता है, पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, पावर विंडोज आ जाते हैं आपके। अच्छा। ये सब मतलब जो भी स्पोर्ट्स में है सब फीचर्स, और रहने वाली अपने ऑटोमेटिक, तो भाई एक स्मूथ ड्राइव, और बोलते हैं ना ज्यादा वो क्लच वगैरह का उतना परेशानी नहीं झेलना पड़ता है, तो मस्त है, लेडीज वगैरह के लिए ज्यादा प्रीफर्ड है। तो आप जान लेते हैं इसकी डिस्काउंटेड प्राइस कितने में देने वाले हो, ये 2 लाख रुपए से नीचे चाहिए बस। तो ओके, ये 2,15,000 है राहुल भाई, 1,95,000 में, 2 लाख के नीचे जैसा आपने बोला 1,95,000 में दे देंगे। चलो, तो 1,95,000 रुपए में मिल गए आपको i10, वो भी ऑटोमेटिक, लोग तो इतने मैनुअल भी नहीं दे रहे जितने हम ऑटोमेटिक दे रहे। इसकी भी डिटेल बताते हैं। यस, ये राहुल भाई, ये भी अगर आप आज के यूथ में देखोगे तो सबसे फेवरेट गाड़ी ये है, स्पेशियस हो जाती है हैचबैक, और साथ में माइलेज भी अच्छी मिलती है और फीचर भी रहते, फीचर्स भी रहते। तो बेसिकली ये 2012 का Hyundai i20 Magna। अच्छा। ऑप्शनल है, इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी आ जाता है। ओके। सिंगल ओनर गाड़ी है, सिंगल ओनर, 58,000 किलोमीटर ड्रिवन है, कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री, अगेन नंबर से आप चेक कर सकते हैं। जो बता रहे ना भाई, अगर 58,000 तो वही चली, अगर ज्यादा भी चली रहती तो वो भी आपको बता देते हैं। तो किलोमीटर जो आपको जेन्युइन मिलेगा। Yes. तो ये 58,000 किलोमीटर चलिए, सिंगल ओनर है। Yes, ये पेट्रोल मैनुअल गाड़ी है। हाँ। 14-15 का एवरेज आपको मिलेगा 100%, क्लाइमेट कंट्रोल एसी आ जाता है, इसलिए कि ऑप्शनल गाड़ी है। अच्छा। 2,85,000 आस्किंग प्राइस है, 2,85,000 अगेन 2012 की। यस, 2012 की, सिंगल ओनर, दूसरे डीलरशिप पे एक बार कंपेयर कर लेना। और डिस्काउंट स्ट्रेट अवे 20,000 का डिस्काउंट दे रहे, तो मतलब 2,65,000 में आपको गाड़ी पड़ती है। तो 2,65,000 रुपये में मिल जाती है आपको i20, जो कि मैग्ना ऑप्शनल है,
भाई अच्छी गाड़ी है, पेट्रोल है ये भी, और ये भी पेट्रोल है। तो आपको जो भी गाड़ी पसंद है, आपको दोनों हुंडई की तरफ से एक i10 और एक i20, तो अगर आपका बजट जैसा भी अलाउ करता है यहाँ के आप परचेस कर सकते हो। तो आपके सामने अभी प्रेजेंट है एक टाटा नैनो, जो कि लो बजट बाइक से बोलते हैं ना, स्कूटर से भी सस्ती गाड़ी आज हम आपको देने वाले हैं। तो ये रहने वाली है टाटा नैनो, बाकी की डिटेल तो मोहसिन भाई देंगे। क्या डिटेल मोहसिन भाई? राहुल भाई, ये 2015 का टाटा नैनो ट्विस्ट XT आता है मॉडल। अच्छा, ट्विस्ट XT है जिसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। हाँ। फ्रंट के दो पावर विंडोज मिल जाते हैं, आपको AC मिल जाता है। तो बेसिकली ये सिंगल ओनर गाड़ी है। ओके। और सिर्फ 14,000 किलोमीटर ड्रिवन है। 14,000 चला है, क्या बात है। काफी लोग कैसा सोचते हैं कि भाई मेरे को प्रोडक्ट लेना है, मेरे को सीखना है, तो वो सब लोग प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि बाइक आज आप बुलेट का भी रेट देखोगे तो 150-180 के आसपास मिलता है, 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है। 2.5 लाख अभी, हाँ अभी तो 2.5 लाख भी जा रही है। तो वही बोलते ना, बर्गमैन या फिर आप अप्रिला भी लेने जाते हो तो 1,20,000 से लेके 1,60,000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। तो जानते हैं अभी इसकी कितनी प्राइसिंग होगी, बट उसके पहले आप एक बार एक चीज देखो। जैसे भी बोलते ना लोग कि यार टाटा नैनो में स्पेस की कमी रहती है, मेरा हाइट लगभग 6 फीट के अराउंड है, 5'11". मैं आपको अभी बैठ के दिखाता हूँ, इसमें आप देख सकते हो, ये देखो कितना हेड स्पेस बच रहा है और कितना लेग स्पेस बच रहा है, आप ये चीज़ें देख सकते हो भाई। बहुत ज़्यादा स्पेसियस है, बस लोगों का कहना रहता है कि स्पेस नहीं है। आप रियर सीट में भी देख सकते हो, देखिए कितनी ज़्यादा स्पेस आप देख सकते हो, पूरा हेड स्पेस मेरा पूरा बच रहा है, आप देख सकते हो। तो मतलब कहने के लिए बोलते हैं छोटी बट गाड़ी बड़ी है मोहसिन भाई, स्पेसियस है गाड़ी और अच्छी है। इसमें आपको AC मिलता है, म्यूजिक सिस्टम भी आप एक्स्ट्रा बिठवा सकते हो, साथ में 4 जने बैठ के जा सकते हो। Yes, पावर स्टीयरिंग भी मिल जाता है इसमें, सिंगल ओनर इंश्योरेंस वैलिड भी है, 14,000 चला हुआ है, 14,000 मतलब कंप्लीट पूरा पैकेज मिल रहा है आपको। तो पैकेज दे दो फिर डील। डील 1,25,000, स्ट्रेट अवे 10,000 का डिस्काउंट, मतलब 1,15,000 में आपको गाड़ी आएगी। तो 1,15,000 रुपये में मिल जाएगी आपको टाटा नैनो, जो कि 2015 की है। ईयर पे गौर करना और कंडीशन पे गौर करना, साथ में किलोमीटर कितनी चली है, सिर्फ 14,000 और सिंगल ओनर। अगर आपको यही नहीं, अगर आपको एक और लो बजट में अगर आपको अच्छी थोड़ी हैचबैक गाड़ी चाहिए, थोड़े ज़्यादा स्पेस है, वो भी लेके आते हैं, आइए दिखाते वो भी। तो भाई अपनी वीडियो की लास्ट गाड़ी रहने वाली वो अपनी फोर्ड की फिगो, जो कि एक लो बजट में आने वाली है और साथ में एक स्पेसियस गाड़ी है। उसके पहले कलर देख लो ना भाई, कितना प्यारा कलर है, अच्छा कलर है। तो फिर क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये 2011 का फोर्ड फिगो टाइटेनियम, अच्छा टॉप मॉडल, पेट्रोल मैनुअल, सिंगल ओनर गाड़ी है, गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड है, गाड़ी 65,000 किलोमीटर ड्रिवन है। आप इसके टायर्स देखोगे तो ऑलमोस्ट 90% चारों भी टायर्स है। आप एक बार टायर पे आप फोकस कर सकते हो, देख ही सकते हो टायर की कंडीशन है। यस, गाड़ी मतलब फर्स्ट क्लास है, एकदम रेडी टू यूज गाड़ी है। और डिटेल्स तो मैंने बता दी, प्राइसिंग की बात करते हैं हम लोग। 1,80,000 रुपीज़ टर्बो कार में आस्किंग प्राइस है। ओके। डिस्काउंट करके गाड़ी स्ट्रेट अवे 20,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 1,60,000 में आपको गाड़ी आती है। ईयर क्या था? 2011। तो भाई 2011 की गाड़ी 1,60,000 रुपये में आप देख ही सकते हो, इतनी अच्छी गाड़ी, साथ में टायर्स भी न्यू है और भाई माइलेज भी बढ़िया निकल जाते हैं। माइलेज भी आराम से आपको ये देगी 15 के आसपास, 15-16। तो ये रहेगी इसकी डिटेल। और भी कुछ अपकमिंग स्टॉक है क्या आपके पास? मेरे पास आज एक प्रोडक्ट आने वाला था जिसको हम कवर करने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लेट हो गया ट्रैफिक की वजह से। भाई शाम हो चुका अभी बोलते ना, तो तो 2014 का मेरा सेलेरियो रहने वाला है, व्हाइट कलर में, VXI वेरिएंट में रहेगा, जो है ऑटोमेटिक पेट्रोल में रहेगा। अच्छा। 63,000 किलोमीटर ड्रिवन है, बहुत ही अच्छा गाड़ी है। अगर किसी को चाहिए उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको फोटोज, प्राइसिंग उसकी मैं बताता हूँ आपको, 3,50,000 का हम लोग ने आस्किंग रखा है उसका। 3,50,000? यस, क्या बात है। 2014 का ऑटोमेटिक सेलेरियो VXI। डिस्काउंटेड प्राइस बता दो, थोड़ा धमाल मचा दो। यस, स्ट्रेट अवे हम लोग स्ट्रेट अवे 25,000 का उस पर डिस्काउंट दे रहे, तो आपको 3,25,000 में गाड़ी आती है। तो भाई फिर से सुन लो, 3,25,000 रुपये में सैलरी मिलेगी, वो भी ऑटोमेटिक गाड़ी 2014 की। तो प्लीज कॉन्टेक्ट कर लेना, उसके लिए भी पिक्चर्स चलते रहेंगे। और अगर नहीं चलता रहेगा क्योंकि कल ही जस्ट वीडियो अपलोड होना है, तो प्लीज आप कॉल कर लेना, आप पिक्चर्स वगैरह सारे मंगा सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। चलिए मोहसिन भाई, बहुत ही अच्छा लगा। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।